स कॉन्क्रीट स्टोन मास्टिक्ट और कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा डिफरेंट लेयर का एग्जिस्टिंग और न्यू सर्विस के ऊपर दिस इज न्यू टॉपिक देखा जाए तो पेमेंट कंस्ट्रक्शन और चैप्टर चल रहा है पेमेंट कंस्ट्रक्शन का ही यानी कि हाईवे कंस्ट्रक्शन जिसे आप कह सकते हैं दिस इज लेक्चर एट पार्ट वन बी जिन्होंने ए नहीं देखा है वो पहले ए देख लें फिर ही बी पे आए एंड बिफोर बिगनिंग आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट सब्सक्राइब कर लो शेयर करो और जितने भी हम थ्योरी पार्ट कराते हैं और न्यूमेरिकल कराते हैं इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर उसके बाद जो ट्वेंटी फाइव ऑफ गेट एस एस और ई एस के क्वेश्चन आप लगाया करो हंड्रेड परसेंट सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराता हूँ जिन क्वेश्चन के अंदर कोई भी ट्रेक कंसेप्ट या कोई एक स्पेशल कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है उसको मैं खुद यहां पर चैनल पर सॉल्व कराता हूं और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सो बिफोर बिगनिंग एट मी इंट्रोड्यूस यू आई एम हेयर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेट्स बिगिन आर लेक्चर लास्ट क्लास तक हम देख चुके हैं पेनीट्रेशन मैकडैम सील कोट और ये प्राइम कोट वगैरह कैसे डब्ल्यू बी एम बनता है और किस तरीके से अर्दन रोड्स बनाए जाते हैं आज हम बात करेंगे प्रीमिक्स कारपेट की सॉरी कारपेट कह रहा हूँ प्रीमिक्स की प्रीमिक्स कारपेट इज अ पार्ट ऑफ इट कैसे प्रीमिक्स बनता है इसका यूज़ क्या है और uh, किस सिचुएशन में कौन सा प्रीमिक्स बेटर होगा वो उसका भी एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा तो देखते हैं प्रीमिक्स को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे तो प्रीमिक्स आर बेसिकली एग्रीगेट्स प्रीमिक्सड विद बिटोमिन एक्चुअल में एग्रीगेट्स चाहे वो कोर्स एग्रीगेट हो या फाइन एग्रीगेट हो इनको और बिटोमिन को मिक्स किया जाता है अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे उसको पहले से कहीं और मिक्स किया गया है और फिर बाद में उसे साइड पे ला डंप करके रोल किया जा रहा है तो इसलिए इसको कह रहे हैं प्री मिक्स यानी कि पहले से इस मिक्स को तैयार किया है कहीं और फिर लाके कहीं और इसको ले कर रहे हैं एंड देन रोलिंग हो रही है तो बेसिकली टाइप्स में से जाने से पहले हम पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्लासीफाई कैसे किए गए इनको क्लासीफाई किया गया तीन पोर्शन में ओपन ग्रेडेड सेमी डेंस ग्रेडेड और डेंस ग्रेडेड तो ये क्या है ऊपर के दो जो हैं ओपन ग्रेडेड और सेमी डेंस ग्रेडेड बेसिकली ये पोरस होते हैं पोरस नेचर का क्या मतलब हो गया कि अगर वाटर रेन मानसून सीजन में जो रेन होगी उसके थ्रू छोटे छोटे पोर्स मिल गए वो वाटर पेनिट्रेट कर सकता है वर्ड्स के थ्रू सब ग्रेड तक भी पहुंच सकता है सब बेस बेस कोर्स में भी जा सकता है तो वो वाले क्या हो गए ओपन ग्रेडेड और बीच का जो हुआ वो हो गया सेमी डेंस मतलब ठीक ठीक ना ज़्यादा ओपन है ना ज़्यादा क्लोज है बीच में आ गया सेमी डेंस एक होता है डेंस ग्रेडेड डेंस ग्रेडेड में बिटोमिन का कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए वो बन जाता है इम्परमीएबल तो लास्ट लेक्चर मैंने इसलिए बोला देखो क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है क्या सील कोट प्राइम कोट करेक्ट तो जिनको समझ में आ गया है लास्ट से उनको बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगा कि आपको बार बार ये देखने को मिलता है कि ओपन ग्रेडेड या सेमी डेंस ग्रेडेड जो मिक्स है उनके साथ साथ आपको ऊपर से या तो सील कोट लगाना पड़ता है या फिर इसके ऊपर अगर चाहो हैवी ट्रैफिक है तो बिटोमिनस कॉन्क्रीट की लेयर स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट की लेयर या इसी टाइप की कोई जो हैवी ट्रैफिक को सस्टेन कर सकते हैं उसकी लेयर लगाई जाती है क्यों क्योंकि वो कैसे होते हैं डेंस ग्रेडेड होते हैं तो ये हो गया तरीका क्लासीफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ पोरूसिटी अब इसके टाइप्स देखते हैं और मैं टाइप्स के बारे में लिखता जाऊंगा कि वो ओपन ग्रेडेड हैं या सेमी डेंस हैं या डेंस ग्रेडेड है जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि ये क्या है तो टाइप्स में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ विटोमिनस मैकेडम को बिटोमिनस प्रीमिक्स कारपेट को बिटोमिनस कॉन्क्रीट को और स्टोन मास्टिक एस्पार्ट को तो सबसे पहले उठाते हैं विटोमिनस मकडम अब ये मकैडम भाई ओपन एंड सेमीडेंस, ओपन ग्रेडेड सेमीडेंस और डेंस तीनों हो सकते हैं तो ये दोनों तो अपन एक ही ग्रुप में डाल देते हैं क्योंकि पोरस होता है ये इम्परवियस होता है इसको अलग डाल देते हैं तो इसके अंदर ये दोनों जो सेमी डेंस हैं ओपन ग्रेडेड हैं ये पोरस की तरह करा जाता है तो इसका यूज़ कहाँ होगा अब आप बताओ कोई भी चीज़ पोरस है क्या उसे सरफेस कोर्स में यूज़ कर सकते हैं कोई नहीं क्योंकि वाटर पेनिट्रेट करेगा हमारा जो पर्पज़ है रोड बनाने का वो तो फेल हो जाएगा फिर सब ग्रेड फेल हो गया तो वापस सब कुछ फेल फिर दोबारा से तोड़ के बनाना पड़ेगा कितना खर्चा होगा तो इसके लिए ये बहुत अच्छा नहीं है अगर आपको टेम्प्रेरी रोड बनानी है जो छः महीने एक साल चले तो ठीक है जहाँ पे बहुत लेस ट्रैफिक है तो अगर आप बेस कोर्स बना रहे हैं यूज क्या है इसका जहां पे बेस कोर्स बना रहे हैं ऑब्वियसली बेस कोर्स आ गया बेस कोर्स के ऊपर आप एक क्या डालेंगे बियरिंग कोर्स डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेस कोर्स बना सकते हैं ओपन ग्रेडेड है तो अच्छा खासा बेस कोर्स है किसके लिए हैवी ट्रैफिक के लिए देखो अभी तक हमने जो पढ़ा जब मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे से पहले डिज़ाइन पढ़ा रहा था उसके अंदर मैंने बताया था बेस कोर्स आप ग्रेवल का बना दो आप ग्रेवल का ब्रेस कोर्स बनाओगे उसके कंपैरिजन में अगर अगर आप बनाएं ओपन ग्रेडेड ये विटोमिनस मैकेडम का बेस कोर्स तो बिटोमिनस मैकेडम का बेस कोर्स ज़्यादा स्ट्रेस को झेल सकता है इसलिए बेस कोर्स किसके लिए हो गया हैवी ट्रैफिक के लिए हो गया और इसके साथ साथ डाल देंगे एक बाइंडर कोर्स और काम हो जाएगा क्योंकि मैं अभी आपको समझा चुका हूँ ये कैसा होता है पोरस नेचर का होता है अगर आपने इसको एज अ बाइंडर कोर्स यूज़ किया है ये नोट कर लो अगर आपने इसको बाइंडर कोर्स यूज किया है तो आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर सील कोट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसको मैं कर कर देता हूं करेक्ट सो so, ये मैंने करेक्ट करके लिख दिया आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली यहां से समझ में आ रहा है कि बाइंडर कोर्स है तो वहां पे सील कोट डालना ही डालना है अब बात करते हैं डेंस मिक्स की अगर आपने बिटुमिनस मैकेडम का डेंस मिक्स बनाया है तो क्या होगा वो इम्परवियस लेयर का हो जाएगा इम्परवियस लेयर हो गया तो कैसे यूज़ कर सकते हो उसको एज अ सर्फेस कोर्स यूज़ कर पाओगे ऑब्वियसली मैंने कहा डेंस डेंस या आप आइडिया लगा सकते हो ये हैवी ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन हो जाएगा ओके okay, और इसकी लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी जैसे टेन इयर्स से फिफ्टीन इयर्स तक भी यूज़ किया जा सकता है इन लो ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक है तो ऑब्वियसली टेन इयर्स तक लाइफ दे ही देगा सो so, यहाँ पे डेंस मिक्सिस की बात हो गई अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई इसकी जो हमने पढ़ी है मार्शल मिक्स डिज़ाइन से उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है कि वैल्यूज़ क्या है तो जब भी आप डेंस मिक्स की बात करोगे तो ये वैल्यूज़ याद रखो मैं देखो आपके लिए आईआरसी का सब कुछ लिख दिया आप इसको पॉज करके लिख लेना कि नंबर ऑफ ब्लोज 75 फ़ाइव मार्शल स्टेबिलिटी थ्री फोर्टी मार्शल फ्लो टू टू फोर एम एम वाइड वाइड मिनरल एग्रीगेट पाँच से दस परसेंट वाइट फिल्ड विद विटाम अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट समझाया हुआ है मैंने सारा और टमिन कंटेंट देखो यही है मेन गेम बिटोमिन कंटेंट साढ़े चार से छह परसेंट का बिटोमिन तो डेंस मिक्स के लिए जा रहा है तो इसका मतलब ओपन ग्रेडेड जो होता है ना ये चार तीन साढ़े तीन परसेंट इसी में काम खत्म हो जाता है कुछ भी नहीं है इट इज द मेन गेम ऑफ परसेंटेज ऑफ विटोमिन यूज तो बिटोमिन कम यूज करोगे तो ओपन ग्रेडेड हो गया अच्छा खासा यूज करोगे तो डेंस ग्रेडेड हो गया आई बात समझ में अब आते हैं कि ये दिखता कैसा है थोड़ा सा मतलब बच्चों को आइडिया लग जाए मैं इतना ठीक रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ आपने ऐसा रोड का सरफेस होगा कई बार आ, जब जल्दीबाजी में नगर निगम वाले या कोई सिटी की डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी कॉलोनी में रोड बनाती है तो अक्सर वो ओपन ग्रेडेड बना के भाग जाते हैं कि हाँ आएंगे एक साल बाद फिर ढंग से लगा देंगे जब अच्छा खासा बजट होगा तो नीड पूरी करने के लिए ओपन ग्रेडेड सेमी डेंस ग्रेडेड ऐसा कुछ होता है आपको हमेशा उसमें एग्रीगेट्स अलग से देखने को मिल जाएंगे समझ जाना भाई ये है ओपन ग्रेडेड और जब एकदम चिकनी एकदम क्लीन ऐसे एकदम स्मूथ रोड बन जाए तो समझ जाना वो कैसी है ग्रेडेड ये बात समझ में अब आते हैं कारपेट नाम के आपको लग रहा होगा ये डेंस ग्रेडेड होगी क्योंकि कारपेट आ गया कारपेट से लोग सोचते हैं हाँ एक स्मूथ वाला नहीं भाई ना ना ना, ना गलत फेमे मत जीना बिटोमिनस हर प्रीमिक्स कारपेट है सीधा सीधा ओपन ग्रेडेड ओपन ग्रेडेड है तो इसका मतलब पानी जा सकता है पोरस हो गया पोरस हो गया तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या करना है यानी कि जब प्रीमिक्स कारपेट लगा दोगे तो इसके ऊपर क्या लगाना है सील कोट या फिर और अगर आप चाहें तो इस सील कोट की जगह बिटोमिनस कॉन्क्रीट की लेयर भी यूज़ कर सकते हो हैवी ट्रैफिक के लिए सील कोट लगा दी गई है वही है ये मैंने आपको पिक में भी दिखाया है ये देखो इतने अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ क्या बस समझ जाए अगर आपने ये भी बना लिए ना तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा देखो प्री मिक्स कारपेट प्री मिक्स कारपेट कैसा है अच्छा है ठीक है विटोमिनस मिक्स के साथ आपने ग्रीगेट मिक्स करके बना दिए बट स्टिल पोरस है तो इसके ऊपर एक और लेयर चाहिए या तो अगर लो ट्रैफिक है तो, तो सील कोट से काम चल जाएगा हैवी ट्रैफिक है तो विटोमिनस कॉन्क्रीट की लेयर बनाओ आ रही है बात समझ में देख रहे हो ना देखो साफ लिखा है मैंने यूज़ किया है सरफेस कोर्स फॉर लो ट्रैफिक बट याद रखना ये मुश्किल से एक दो साल चलेगा अगर आपकी लेयर बना रहे हो सरफेस कोर्स के नीचे तो ये बढ़िया चलेगा क्योंकि बिटोमिनस कॉन्क्रीट आ गया है इसके ऊपर और वो बढ़िया एकदम डेंस होता है या डेंस मेकेडम भी डाल सकते हो तो इस तरीके से यूज़ है इन दो पर्टिकुलर चीज़ों का बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं मैंने वो कंफ्यूजन ही हटा दिया है यहाँ से इन दोनों को अच्छे से ब्रेक करके विथ पिक्स आपको दिखा दिया है अब इसके बाद कभी ये सुनने को ना मिले सर कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार ये प्रीमिक्स किया आ जाता है हम गलत मार्क कर देते हैं मार्क करना ही नहीं है मैंने इतने अच्छे से अलग अलग करके लिख दिया है कि कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए अब अब बात करते हैं मैं चीख रहा हूँ बार बार बिटोमिनस कॉन्क्रीट बिटोमिनस कॉन्क्रीट बिटोमिनस कॉन्क्रीट भाई ये है भाई क्या है ये क्यों है ये क्या काम है इसका ये बताया जाए तो आ जाओ तो बिटोमिनस कॉन्क्रीट सबसे पहली बात किस टाइप का ओपन ग्रेड है डेंस है या सेमी डेंस है तो मैं साफ बोल देता हूं देखो मार्क करके लिखा है स्पेशली डेंस ग्रेडेड प्रीमिक्स है इसी से बहुत सारी चीजें हमको क्लियर हो जाती है जो चीज डेंस है वो हैवी ट्रैफिक के लिए हो गई साथ साथ वो कैसी हो गई इम्परवियस हो गई तो इसके ऊपर कोई सील कोड व्हील कोड की जरूरत नहीं नीचे दे लो भले से नीचे वाली लेयर में अब यूज़ भी मैंने दिखा दिए यहाँ पे सरफेस कोर्स हैवी ट्रैफिक के लिए यूज़ कर रहे हो अच्छा अब आपके दिमाग में आना चाहिए ठीक है पीयूष यार तो मस्त बता रहा है एकदम टू द पॉइंट है अब इसका पता कैसे चलेगा बिटुमिनस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है क्या है तो मैंने आपको इतनी डेप्थ में पढ़ाया है मार्शल मिक्स डिज़ाइन उसको देखने के बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कन्फ्यूज हो जाए जिन लोगों को इन डेप्थ में देखना है कि मार्शल मिक्स डिज़ाइन और वी मिक्स और ये कैसे बने तो वो मेरा लेक्चर एल सिक्स सिक्स बी ज़रूर देखें यहाँ पे हम टू द पॉइंट अभी बात करते हैं विटोमिनिक्स मिक्स के कुछ जो भी मार्शल मिक्स से वैल्यूज़ आती हैं उनके बारे में ये मैंने आई से निकाला और मैंने सारा बताया हुआ एल सिक्स सिक्स बी में मैं बिल्कुल यहाँ पर बस आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ नंबर ऑफ ब्लोज़ कितने लगाने हैं सेवेंटी फ़ाइव मैक्सिमम स्टेबिलिटी नाइन किलो न्यूटन मिनिमम सॉरी मिनिमम है ये मिनिमम है ओके फ्लो टू टू फोर एम एम एयर वाइट थ्री टू फाइव परसेंट वाइड फिल्ड विद बिटोमिन सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी फ़ाइव परसेंट ओके एंड ये इम्पॉर्टेंट है ये कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि विटोमिन परसेंटेज कितना होता है इसके अंदर तो विटमिन परसेंटेज आप कह सकते हो नियर अबाउट सिक्स साढ़े छः परसेंट तक हो जाता है साढ़े पाँच से तो यह याद रखना है विटोमिनस कॉन्क्रीट कैसे हुआ अब आप सोच रहे होंगे ठीक है विटोमिनस कॉन्क्रीट इतना अच्छा है पीयूष तूने बता दिया इसके अलावा भी और कुछ है मैं हाँ इसके अलावा भी इससे भी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है एक टोन मास्टिक एस्फाल्ट देखो और सुनो और समझो स्टोन मास्टिक एसफॉल्ट भी एकदम डेंस ग्रेडेड है डेंस ग्रेडेड है ये भी यानी कि इम्परवियस लेयर वाला हो गया इसकी जो विटोमिन देख रहे हो साढ़े छः परसेंट छः पॉइंट आठ परसेंट ऐसे होती है विटोमिनस कॉन्क्रीट की स्टोन मास्टिक एसफॉल्ट की सीधे पहुंच जाती है फोर्टीन टू सेवनटीन परसेंट मार्क माय वर्ड्स इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था स्टोन मास्टिक एसफॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं बच्चे कंफ्यूज हो गए मैं समझाना चाहता हूँ भाई ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए लिखता हूँ हर एक क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है उसी से उठा के सारा आपका कोर्स बनाया है कि आपको ज़्यादा भागना ना पड़े जो स्क्रीन पर दिखाता हूँ हर एक चीज़ याद करा करो कभी कोई नहीं रोक पाएगा आपको फिर अच्छा स्टोन मास्टिक एसफॉल्ट स्टोन मास्टिक एसफॉल्ट का बिटोमिन कंटेंट है फोर्टीन टू सेवेंटीन परसेंट ऑब्वियसली इट इज़ बेटर देन बिटुमिनस कॉन्क्रीट तो इसका मतलब इसका यूज कहाँ इसका मतलब वेरी वेरी हैवी ट्रैफिक और वेरी वेरी हैवी ट्रैफिक कहाँ देखने को मिलेगा एक्सप्रेस वेज में तो एक्सप्रेस वेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज के अंदर कंस्ट्रक्शन डिजाइन के लिए क्या यूज करना चाहिए स्टोन मास्टिक स्पार्ट तो सेकेंड बेस्ट क्या है बिटुमिनस कॉन्क्रीट याद रखना ये दोनों चीज बहुत बार आ चुके हैं और मैं आपको इसलिए बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल स्पेसिफिकली सब कुछ बता रहा होता हूँ ये तो बात हो गई सारे टाइप के प्रीमिक्स की अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की अगर एग्जिस्टिंग लेयर के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है तो हमने लास्ट लेक्चर जो भी है वन ए एल एट का उसमें क्या देखा था कि सबसे पहले क्लीन करना है फिर उसके ऊपर हमें प्राइम कोट लगाना है तो वो सारी चीज़ें आएंगी तो एग्जिस्टिंग लेयर वाला देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एग्जिस्टिंग सर्फेस को पहले प्रिपेयर कैसे करेंगे अगर सपोज कर उसमें डिप्रेशन है पॉट होल है वगैरह है क्रैक है कुछ भी है तो उसको एग्रीगेट से फिल कर सकते हैं अपन सरफेस को फिर क्लीन करो प्रॉपरली फिर उसके ऊपर क्या लगाओ प्राइम कोट लगाओ अभी देखो ये नहीं है कि एग्रीगेट पॉट होल्स को फिल करके विटोमिन लगा रहे नहीं सिर्फ एग्रीगेट्स को फ़िल कर रहे हैं उसके बाद पूरे सरफेस को आ, इवन जो पॉट होल्स हैं उनको भी फिल करने से पहले क्लीन कर लिया जाता है कि मिट्टी वगैरह निकाल दी जाए और फिर जो अगल बगल नॉट पॉट होल्स वाली जगह जो थोड़ी सिर्फ क्रैक व्रैक है उनको भी क्लीन किया जाता है फिर क्या लगाएंगे एक ऐसी लेयर जिसकी वजह से एम्परवियस बन जाए लेर या ऐसा उसकी पोरोसिटी कम हो जाए तो सबसे बढ़िया क्या है लगाएंगे प्राइम कोट अगर प्राइम कोट प्राइम कोट कहां लगाना चाहिए बेसिकली जैसे कि डब्ल्यू यूज कर रहे हैं तो वहां लगा सकते हो मतलब प्राइम कोड का मैंने सिंपल वर्ड्स में लिख दिया इफ मतलब यूज कर रहे हो प्राइम कोड इफ देन टू बी डन ओवर अंकड़ और मुर्रम दैट्स वाई आई रोड इज एक कॉमे से देखो कितनी बड़ी गलती हो गई है खैर कोई नहीं बी अप्लाई टैक कोड उसके बाद पहले प्राइम कोड लगा दिया फिर टैक कोड लगा दिया टैक कोड क्या करता है इंटर बाउंड्री या इंटर लेयर के अंदर बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड बन गया इसके बाद जो प्री मिक्स है या मिक्स है उसको रख देते हैं हम उसके बाद उसको करते हैं रोलिंग रोल करने के बाद उसको करते हैं फिनिशिंग फिनिशिंग करने के बाद अगर इन केस ऑबियसली आप टैग कोट लगा दिया अब कई ऑप्शन हैं आपके पास आप हो सकता है कि सील कोट लगाओ अगर ओपन ग्रेडेड मिक्स है तो सील कोट तो लगाना पड़ेगा गुरु अगर आपने टैग सपोज करो ये इम्परवियस था सॉरी परवियस था यानी कि पोरस था इसके ऊपर पहले लगा दिया प्राइम कोट फिर लगाया टेक कोट अब इसके ऊपर आप किस टाइप की लेयर डालते हो ये तो डिपेंड करता है इंजीनियर टू इंजीनियर नीड और इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशन पर अगर यहाँ पे सपोज करो ओपन ग्रेडेड यूज़ किया है तो तो हर हाल में सील कोट तो लगाना ही पड़ेगा इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं नहीं तो वाटर पेनिट्रेट कर जाएगा और अगर आपने डेंस ग्रेडेड सिस्टम यूज़ कर लिया जैसे कि बिटोमिनस कॉन्क्रीट या अदर पार्ट्स तो उसके लिए आपको सील कोट की ज़रूरत नहीं है तो मैं साफ साफ चीज़ें लिख रहा हूँ बताते भी चल रहा हूँ एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ अब नया सरफेस बनाना हो तो मतलब बिल्कुल सब ग्रेड से डिज़ाइन करना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सब ग्रेड बनाना पड़ेगा उसके लिए आप क्या करो सबसे पहले सरफेस को क्लीन कर दो और ये हम सॉइल में पड़ने वाले हैं ड्राई डेंसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के प्लस माइनस थ्री परसेंट के ऊपर कोशिश की जाती है कि ड्राई डेंसिटी अचीव की जाए फील्ड के अंदर तो वो वाला काम मैंने यहाँ लिख दिया है तो ड्राई डेंसिटी अचीव की जा रही है कॉम्पैक्शन कर रहे हैं रोलिंग के थ्रू इसके बाद सबसे पहला काम है लेटरल कन्फाइनमेंट में हमेशा मैं बोलता आया हूँ पहले सबसे पहले जब भी सब ग्रेड बना रहे हो तो उसके आसपास एक शोल्डर्स जो हैं उनको पहले कॉम्पैक्ट कर लो ऐसा नहीं कि शोल्डर्स पूरे कंस्ट्रक्ट करके बना दो अगर मेटल दे तो मतलब कि उसकी कॉन्क्रीट वगैरह डाल दो नहीं मतलब अर्दन शोल्डर्स थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दो अब यहाँ पर जब भी इसके ऊपर आप एग्रीगेट्स डाल के रोल करोगे ना तो ये कन्फाइन हो जाएगा एग्रीगेट्स डिस्पर्स नहीं हो गया अननेसेसरिली तो ये बेटर है हमेशा के लेटरल कन्फाइनमेंट करें यानी कि शोल्डर्स को पहले बिल्ड करें फिर उसके बाद रोलिंग करें और चेक कर ले ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम अचीव हुई नहीं कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के पास आसपास मॉइस्चर कंटेंट पहुँचा कि नहीं फिर उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे सब बेस और बेस कोर्स को तो इसके अंदर क्या करेंगे मटेरियल्स को ले कर देंगे जो भी रिक्वायर्ड कैमर है उसके अकॉर्डिंग और फिर करेंगे रोलिंग रोलिंग मेनली इसमें रहेगी ड्राई ऑब्वियस है फिर बेस कोर्स और कोर्स प्रिपरेशन हो गया फिर यहाँ आता है वियरिंग कोर्स वियरिंग कोर्स के अंदर मिक्स जो है उसको ले कर देते यानी कि मिक्स इज लेड और फिर अगर ज़रूरत है तो सील कोट लगाओ ओपन ग्रेडिड मिक्स के लिए और अगर आपने बिटोमिनस कॉन्क्रीट स्टोन मास्टिक एसफॉल्ट यूज़ किया है तो देर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ सील कोट फिर उसके बाद साइड ड्रेनेज साथ साथ बनता रहेगा हा। हाँ इसके बाद भी रोलिंग होगी के बाद भी रोलिंग होगी यहाँ पर रोलिंग आना ही चाहिए इसके साथ साथ रोलिंग होगी जैसे डेंस पिटोमिनस कॉन्क्रीट ले कर दिया इसके साथ होगी रोलिंग ये ज़रूर लिख लेना फिर साइड ड्रेनेज सिस्टम और फिर फिनिशिंग आप दे सकते हो तो ये आ गया हमारा फिनिशिंग के बाद पूरा की पूरा न्यू लेयर रेडी हो चुका है मैंने अब रोलिंग भी ऐड कर दिया इसमें सो so गाइस ये पार्ट था ऐसे नई और एग्जिस्टिंग लेयर बनाई जाती है किसकी फ्लैक्सीबल पेमेंट की अब हमसे कोई पूछे कि भाई सीमेंट कॉन्क्रीट भी तो है उसको भी तो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हाँ बिल्कुल बहुत आसान है सबसे पहले मैंने आपको दिखाई हुई थी ये दो पैक्स जब भी स्टार्ट किया था रिजिट पेमेंट ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि सबग्रेड बनाओ अगर ज़रूरत है सबग्रेड के ऊपर तो सब बेस भी बनाओ बेस कोर्स तो कंपलसरी बनाई जाएगी बेस कोर्स के ऊपर ही स्लैब ले की जाएगी ये भी हो सकता है कि आप नीचे बनाए सब ग्रेड उसके ऊपर बना दें डायरेक्ट बेस कोर्स एंड उसके ऊपर ले कर दें कॉन्क्रीट की स्लैब्स सबसे पहला काम क्या है सब ग्रेड की प्रिपरेशन क्लीन करो साइट को वही जो हमने ऊपर किया लेटरल कन्फाइनमेंट करो अच्छे से उसको रोल कर दो कॉम्पैक्ट कर दो मैक्सिमम डेंसिटी अचीव कर लो अब सब बेस बनाओगे सब गेस क्या क्या करना है एग्रीगेट्स को ले करना है फिर उन्हें कॉम्पैक्ट करना है कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे रोलिंग के थ्रू ठीक है बिफोर लेइंग अच्छा ये बाद की बात है अगर आप चाहें तो सब बेस और बेस कोर्स ऐसे ही बनाए जाएंगे बेस कोर्स में अभी एग्रीगेट ले किया जाएगा और ले कर दिया जाएगा इसको एग्रीगेट्स को अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे नोट करवा देना चाहता हूं आपको जब भी कंक्रीट की स्लैब को डाला जाता है बेस कोर्स या सब बेस कोर्स के ऊपर एक बात ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है वो वो ये कि हमेशा जो है थोड़ी सी वाटरिंग कर दी जाती है लोअर लाइंग लेयर्स के लिए ऐसा क्यों करते हैं ताकि कंक्रीट जो है उसकी मॉइस्ट कंडीशन बनी रहे ऐसा ना हो सब बेस के एग्रीगेट्स कॉन्क्रीट का जो मिक्स है उसके अंदर से वाटर यानी कि मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्व कर लें वो कंडीशन ना आए इसलिए बेस कोर्स को हल्का सा वेट करके मॉइस कंडीशन में यहाँ पे ले किया जाता है इसके बाद फोम वर्क प्लेस करते हैं कंक्रीट को ले करने से पहले और फिर डुबल बार स्टाई बार की जो लोकेशन है वहाँ लगा देते हैं फिर मिक्स को पोर कर देते हैं कौन सा मिक्स कंक्रीट मिक्स और फिर कॉम्पैक्शन कर देते हैं वाइब्रेटर्स के थ्रू जैसे आर में करते आएँ और फिर एजिंग कर दें ऑब्वियसली अब कॉन्क्रीट है तो कॉन्क्रीट तो थोड़ा सा रफ बनता ही है जैसे हम जानते हैं फिर फोम वर्क को हटा देंगे हम अब ओबियस रफ पार्ट्स को हैं तो इसके अंदर क्या किया जाए थोड़ा सा फिनिशिंग दी दी जाए तो जैसे कंक्रीट हार्ड होने लगे दो तरह की फिनिशिंग है एक तो कंक्रीट सेट होए उससे पहले कर दो एक कंक्रीट सेट हो जाए तो उसके बाद हल्की सी सीमेंट वगैरह यूज़ करके करा जाए तो यहाँ पे जैसे स्ट्रेट एजिंग करते हैं अभी कंक्रीट सेट नहीं हुआ है कंक्रीट बिफोर कंक्रीट इज़ हार्ड सरफेस इज़ बेल्टेड विद प्लाई कैनवास बेल्ट इससे क्या होता है क्लीन सरफेस बन जाता है एकदम को तो पकड़ के आपने देखा होगा एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा होता है इसको पकड़ के खींचते हैं तो एक्सेस से ऊपर से मटेरियल निकल जाता है और रह जाता है अब कंक्रीट हार्ड होने लग जाएगा हार्ड होने लग जाएगा तो क्या करनी पड़ेगी क्यूरिंग करनी पड़ेगी क्यूरिंग कर दो अब क्यूरिंग कर दी वर्क हटा दो सब कुछ हो गया एकदम हार्ड हो चुका है कंक्रीट अब क्या करना है एजेस कॉर्नर्स उनको फिनिश कर दो यूजिंग सीमेंट कर दिया सर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है टास्क अभी तो सिर्फ कॉन्क्रीट की स्लैब्स ले की गई हैं ओवर द सर्फेस अभी इनके बीच में क्या है जॉइंट्स है इन जॉइंट्स को सील करना बाकी है जो मैंने बार बार समझाया था करेक्ट तो अब आओ इधर और जॉइंट को सील करना शुरू करो अब जॉइंट सीलिंग में मैं बस ये वैसे पढ़ा चुका हूँ बस एक इन जनरल दे रहा हूँ कि क्या यूज़ करोगे सॉफ्ट वुड यूज़ कर सकते हो क्योंकि तो सॉफ्ट वुड कंप्रेस और एक्सपेंड हो सकती है फाइबर वोड्स यूज कर सकते हो फाइबर वोड की जो चूरा होता है ऐसा वूल भी कहते हैं कई बार फाइबर वोड वूल या वुड वूल सॉफ्ट वुड वूल वो यूज़ कर सकते हो है ना साथ में कोर्क बाउंड विटोमिन यूज़ कर सकते हो कोर्क बाउंड विटोमिन यानी बिटोमिन और कोर्क का मिक्स होता है वो भी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इस तरीके से जॉइंट को कर दिया सबसे पहले फिल ओके अब इसके ऊपर लगाएंगे सीलेंट तो जॉइंट को सील करोगे किसके थ्रू या तो विटोमिन इमल्शन के थ्रू या विटोमिनस ऐसे मिक्स के थ्रू जिसके अंदर जो भी है वो उड़ जाए वॉलीटाइल सॉल्वेंट और पीछे रह जाए जो उसको कवर कर देगा इम्परवियस बना देगा ज्वाइंट सीलर बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने समझा चुका हूँ कि मड पंपिंग की जो प्रॉब्लम है वो कैसे होती है और उससे बचाने के लिए जॉइंट्स को हमेशा सील किया जाता है तो गाइस यही था इस पर्टिकुलर लेक्चर पार्ट में कि हमारे हाईवे कैसे कंस्ट्रक्ट होता है तो बिफोर लिविंग आई अगेन रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो चलता हूँ साइनिंग ऑफ गॉड ब्लेस यू ऑल